स्कूटर को स्टार्ट करेगा। तो आइए जनाब आगे, अब मैं आपको अलार्म दिखाऊंगा। ये मैंने अलार्म स्टार्ट किया, अभी अलार्म के साथ इसकी चारों लाइटें जलती हैं, ये आप देख सकते हैं। बंदे को देख रहा हूँ जो क्रिटिसाइज कर रहा था, जो बात को मान नहीं रहा था, ये है वो बंदा। इसको मैंने बता दिया कैसे स्टार्ट होगा, कैसे ऑफ होगा। तो अब मेन है इसका, हे गाइस, दिस इज सईद अल्ताफ हुसैन शाह। आज मैं नए व्लॉग के साथ आया हूँ जो मैंने अपने स्कूटर पे बनाया हुआ है, क्योंकि बाइक चली गई है मेरी कश्मीर, तो डैडी ने मुझे स्कूटर लेके दिया। स्कूटर पुराना मॉडल था 2013, LML 4V है। उसको किक मार मार के मैं थक गया, तो उस किक को छुटकारा पाने के लिए मुझे थोड़े से दिमाग में आइडियाज़ आए, उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली मैंने इस पर यूज़ किया। मैंने सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगवाया इसको, और इसका नेचुरली सेल्फ स्टार्ट भी है। बैटरी की कमी थी तो बैटरी पूरी की मैंने, बैटरी लगाई इसको, तो सेल्फ स्टार्ट तो होने के साथ साथ ये अभी सेंटर लॉकिंग सिस्टम, यानी अगर बाइक पूरी स्कूटर पूरा लॉक है उसके बावजूद भी ये स्टार्ट होगा। तो मैंने ये सिस्टम अपने एक दोस्त को बताया, तो उसके यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने वीडियो भी दिखाया लेकिन माना नहीं उसने, तो अब उस दोस्त को ही मैं साथ लाया हूँ। तो अभी प्रैक्टिकल व्यू में दिखाऊँगा आपको अपने स्कूटर का, चलिए मेरे साथ। मैंने स्कूटर को पूरा लॉक किया हुआ है, अभी आप कैमरे में भी देख सकते हैं, आके लॉक चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरा इंजन ऑफ है। मैं आपके लिए इसको खोल के दोबारा ऑफ करूँगा। ये मैंने ऑन किया, ये मैंने ऑफ किया, ठीक, पूरा इंजन ऑफ है। तो अब इसके लिए अलार्म इसको बजेगा। अब मैं आपको अलार्म दिखाऊँगा। ये मैंने अलार्म स्टार्ट किया, अभी अलार्म के साथ इसकी चारों लाइटें जलती हैं, ये आप देख सकते हैं, लाइटें जल रही हैं। तो लाइट्स के बाद मैं ले जाता हूं आपको स्कूटर को स्टार्ट कैसे करना है। मॉडिफाई होने के बाद स्कूटर अब अच्छी तरह स्टार्ट हो रहा है। अब अभी ये ऑफ है, इंजन वैसे ही ऑफ है, आप देख सकते हैं, और दिखाया भी मैंने आपको। अब जो बंदा मुझे बोल रहा था कि भाई ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, मैं चाबी उसी के हाथ में दूंगा और वही बंदा स्कूटर को स्टार्ट करेगा। आइए जनाब आगे, वो बंदे को देख रहा हूँ जो क्रिटिसाइज़ कर रहा था, जो बात को मान नहीं रहा था, ये है वो बंदा। इसको मैंने बता दिया कैसे स्टार्ट होगा, कैसे ऑफ होगा। तो अब मेन है इसका, बाइक जो है स्कूटर न्यूट्रल में होना चाहिए, गियर में ये नहीं स्टार्ट होगा, इसलिए न्यूट्रल में है। मैंने क्लच पकड़ा, अब मैं इनको ऑन करने के लिए बोलूँगा। करिए इंजन ऑन, डबल, ये देख सकते आप। अलार्म का बटन दब गया भाई। तो सेंटर लॉकिंग यूज करने के बाद अब हम आएंगे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। अब हम चाबी लगाएंगे भाई स्कूटर को, ये चाबी लगाई हमने, इंजन ऑन किया और ये हमने सेल्फ स्टार्ट किया। और अब हम बैठ के घर जा रहे हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चेक किया, बाय बाय।